माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन 5 में क्या है? द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द अदर टू साइड्स। देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल्स क्या होता है, ये होता है जिसमें ये कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें एक ये होता है, इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। वो कहते हैं कि इसका आधार यानी बेस जो है वो उससे ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मान लीजिए आधार अक्ष है तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, अक्ष माइनस 4। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, ये कर्ण, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज को, ये क्या है 13 सेंटीमीटर। तो आपको इन दोनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। फाइंड दी अदर टू साइड्स, ये साइड तो पता है 13 सेंटीमीटर है, ये साइड और ये साइड का पता करना है, एक्स की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। सीधी सी बात यह है, आप कैसे करेंगे, ये है प्रश्न है। एक पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय का प्रश्न है, और वो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि हम जो है बेस को स्क्वायर कर दें और उसके अंदर एल्टीट्यूड का स्क्वायर जोड़ दें। ठीक है, एल्टीट्यूड का स्क्वायर जोड़ दें तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये वाला, इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा। बस कर लीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, इसका एक्स का स्क्वायर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। हो गया, ये फॉर्मूला भी फिट बैठ गया, ये हल कर लीजिए। देखिए, यहां हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर कर लीजिए, क्या होगा, इधर कर लीजिए एक्स माइनस 7, एक्स माइनस 7 एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस 7 एक्स हो गया, फिर ये माइनस 7 एक्स हो गया, और ये माइनस और माइनस को गुणा किया तो प्लस का 49 हो गया, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर, दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 49 हो गया प्लस 40। ये आप रख दीजिए यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस 49 इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का पहाड़ा 13 बार बोलो, 13 बन जा 30, 13 13 जा 169। और सॉल्व कर लो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर यानी 2 एक्स स्क्वायर हो गया, दोनों को जोड़ दिया, माइनस 14 एक्स, और ये 169 का है, इधर इसको लेफ्ट में रहेंगे तो माइनस का जाएगा, यानी माइनस के तो है 169 और प्लस के है 49, इनको जोड़ा तो माइनस के कितने हो जाएंगे, कितने ज्यादा है 169 में 49 जो है घटा देंगे तो हो जाएगा माइनस 120, इसमें से इसमें बढ़ा दिया तो ये लिख दो आप माइनस 120 बराबर 0, तो उसको छोटा कर दो, 2 से भाग दे दो तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 7 एक्स हो जाएगा, और 120 में किया तो 60 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको 7 एक्स के दो टुकड़े करो, इसको गुणा करने से 7 आ जाए, क्या होंगे 7 का 7 को डायरेक्शन नहीं है, तो आप ऐसे करो संख्या को बढ़ाओ, अगर आप जो है इसको 2 भाग कर दो, देखिए इसके 2 भाग करेंगे माइनस 7 एक्स के तो ये हो जाएंगे 12 एक्स और 5 एक्स, तो 12 को 5 से गुणा किया 60 हो गया। देखिए ये माइनस के 7 एक्स है तो ये माइनस के 12 एक्स और प्लस के 5 एक्स हो जाएंगे, यानी माइनस के ज्यादा हो गए तो माइनस के 7 एक्स हो गए, माइनस 12 एक्स प्लस 5 इसको गुणा करेंगे तो माइनस के 60 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने 2 भाग कर दिए, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 5 एक्स और ये माइनस 60। ओके, अब एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा, ये दो पेयर हो गए, इसमें से क्या बाहर निकाले, इसमें से आप एक्स को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि एक्स ही कॉमन है, आपने एक्स को बाहर निकाला तो यहां क्या बच गया, एक्स बच गया और माइनस 12 बच गए। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स हो गया, और इधर क्या करोगे, ये रखो आप एक्स माइनस 12 रखो तो क्या करोगे, क्या निकालोगे, 5 निकालोगे, 5 का एक्स हो गया। ओके, ये 5 निकाला तो 5 एक्स हो गया प्लस का, और माइनस के हो गए 7, यानी 5 होगा प्लस का। ठीक है,
पांच एक्स हो गया प्लस का माइनस सात, एक्स माइनस बारह एक, दूसरा क्या हुआ एक्स प्लस पांच, यानी एक्स की वैल्यू हो गई यहां पर, यहां पर एक्स की वैल्यू हो गई बारह और यहां पर एक्स की वैल्यू हो गई माइनस पांच। ओके, अब आपको पूछा है कि दोनों भुजाओं का ज्ञात करो, दोनों भुजाएं तो पता लग गई बारह और एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो एक्स की वैल्यू मतलब ये है क्या होगी, या तो होगी बारह या होगी माइनस पांच। अब माइनस तो हो नहीं सकती क्योंकि हमने जब स्क्वायर किया है दोनों को स्क्वायर करके जोड़ा है, तो माइनस तो हो नहीं सकती, हमने प्लस करके किया है, ठीक है, तो ये माइनस से नहीं हो सकती, तो इसकी जो है एक्स की वैल्यू है हम बारह रखेंगे यहाँ पर, तो इसका बेस जो है बारह हो जाएगा, और ये एक्स माइनस सात यानी बारह में से सात घटाए तो पांच, तो इसका बेस हो गया बारह सेंटीमीटर, बेस हो गया बारह सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड हो गया पांच सेंटीमीटर। बारह का स्क्वायर किया तो 144, पांच का स्क्वायर 50, 25 दोनों को जोड़ा तो 169, ये 11 का स्क्वायर आ गया। आप इसको क्रॉस टैली भी कर सकते हैं। क्लियर, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।